तो गाइज आप लोग ने जेफ बेजोस का हाल ही में किया गया अंतरिक्ष सफर के बारे में तो सुना ही होगा न्यूज में। तो गाइज क्या आप जानना चाहेंगे कि इनकी मिशन में कुल कितनी लागत लगी? तो आज के इस वीडियो में मैं रिसेंटली हुए इनके अंतरिक्ष सफर के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप शॉक होने वाले हैं। तब तक उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आप लोग करते नहीं है, वीडियो देख के चले जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप सबको मालूम होगा कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस में अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनका यह अनुभव अपने आप में तो ऐतिहासिक था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन में कितना खर्च हुआ, इस मिशन के कुल कितनी लागत है? तो गाइस ब्लू ओरिजिन ने 20 जुलाई को न्यू शेफर्ड कैप्सूल से 4 निजी यात्रियों को अंतरिक्ष में यात्रा कराई। करीब 10 मिनट धरती के बाहर स्पेस की सीमा में बिताने के बाद उनका कैप्सूल धरती पर लौट आया। इन यात्रियों में जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, वैली फंक और ओलिवर डायमन शामिल थे। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस में अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सबसे अमीर शख्स बन गए। उनका यह अनुभव अपने आप में तो ऐतिहासिक था। तो गाइज मैं अब बताता हूँ 10 मिनट का ये सफर इनको कितना कॉस्टली पड़ा। तो गाइज एक रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस के इस 10 मिनट के सफर में अरबों रुपए खर्च हुए। केवल 10 मिनट में 5.5 अरब डॉलर यानी कम से कम 40,000 करोड़ की लागत आई है। इस पर हर मिनट 4,000 करोड़ रुपए खर्च। इस मिशन की कीमत से पता चलता है कि क्यों दुनिया के अरबपति ही इस तरह का कारनामा कर सकते हैं, क्यों नहीं कोई आम आदमी कर सकता है। इस फ्लाइट पर जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क और एविएशन एक्सपर्ट गए थे। इन तीनों के अलावा चौथी सीट के लिए टिकट की नीलामी की गई थी। और मैं ये भी बता दूं, जेफ बेजोस ने खुद बोला था कि वो स्पेस में इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि बेजोस के इस अंतरिक्ष मिशन की लागत को लेकर निंदा हो रही है। तो गाइस कैसा लगे ये इंटरेस्टिंग वीडियो? वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे को इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।